बिहार के नियोजित शिक्षकों को जल्द ही राज्य कर्मी का दर्जा मिल सकता है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की ओर से खुद यह भरोसा दिलाया गया है। जी हां, गोपालगंज में डाइट सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे के पाठक ने कहा है कि बीएड योग्यता वाले नियोजित शिक्षकों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, राज्य सरकार उनके साथ ही है। उन्होंने कहा है कि नियोजित शिक्षक जल्द ही राज्य कर्मी बन जाएंगे, सरकार ने घोषणा की है तो इसकी प्रक्रिया भी चल रही है। इधर पटना हाईकोर्ट की ओर से छठे चरण में नियुक्ति बीएड शिक्षकों को अयोग्य घोषित किया गया है। इस फैसले के खिलाफ बीएड शिक्षकों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी भी फाइल किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि के पाठक के आश्वासन के बाद 22,000 नियोजित शिक्षकों ने राहत की सांस ली है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने थावे स्थित डाइट का निरीक्षण करने के दौरान शिक्षकों से संवाद में उनकी समस्याएं सुनी है और समाधान का भरोसा दिलाया है। जी हां, निरीक्षण के दौरान के पाठक ने डाइट का रंग रोगन कराने का निर्देश दिया है। ट्रेनिंग करने वाले शिक्षकों के लिए पानी को लेकर आरओ लगाने का निर्देश भी दिया गया है। तो वहीं प्रशिक्षण के लिए आए शिक्षकों के खाने पीने की व्यवस्था को भी देखा गया है। उन्होंने रसोईया से खाने का मेन्यू भी पूछा, फिर खाने के स्टॉल का भी निरीक्षण किया है। उस दौरान उन्होंने शिक्षकों से भी खाने की गुणवत्ता को लेकर बात कही है। तो वहीं डीएलएड के फाइनल ईयर के छात्रों ने उनसे फाइल परीक्षा मई माह में कराने की अपील कर दी, जिससे वो लोग अगस्त महीने में होने वाली नियुक्ति परीक्षा में शामिल हो सके। जिसको लेकर के पाठक ने आश्वासन भी दिया है कि उन सबको अगस्त में होने वाली परीक्षा में शामिल होने का जरूर मौका मिलेगा। जी हां, के पाठक ने कहा है कि उससे पहले डीएलएड की परीक्षा ले ली जाएगी। उनके इस आश्वासन के बाद आसपास के लोगों के चेहरे पर हंसी आ गई। जी हां, गोपालगंज में गुरुवार देर रात तक रुकने के बाद वो पश्चिम चंपारण के लिए निकल गए। जी हां, लगातार जो शिक्षक है वो नियोजित शिक्षक जो भी है वो राज्य कर्मी का दर्जा मांग रहे हैं। तो वहीं के पाठक ने आश्वासन देते हुए कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, तमाम नियोजित शिक्षकों में जो भी बीएड डिग्री धारक शिक्षक है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जल्द से जल्द हम उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा जरूर दिलाएंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना